नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक डिटेल रिव्यू लेके आ चुका हूं आप सभी की ऑल न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 2021 मॉडल। ये हमारे पास 2021 की लास्ट की मॉडल है, मतलब आपकी नवंबर दिसंबर की हमारे पास मॉडल अवेलेबल है। गाड़ी लगभग 2500 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। तो कैसा कुछ गाड़ी से रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा कुछ गाड़ी माइलेज निकाल के दे रही है, कैसा कुछ ओवरऑल इस गाड़ी का परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं 2022 में एक शानदार बाइक लेने का, तो क्या आपको इस स्प्लेंडर प्लस के साथ मूव करना चाहिए या नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को आप सब बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार हमारे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और आप सभी को हम बाइक और स्कूटर दुनिया से अप टू डेट रखते हैं। चलिए मैं आपको इस गाड़ी का सबसे पहले मीटर कंसोल दिखा देता हूँ। मैं गलत आपको नहीं बता रहा, आपको मीटर कंसोल दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं 2586 किलोमीटर, 2586 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। साइड डिसेंट कट ऑफ फीचर वाले हमारे पास गाड़ी अवेलेबल है। आपको पता होगा एक बहुत ही अच्छा काम किया है हीरो स्प्लेंडर प्लस में हीरो कंपनी ने, कि आपको अब यहाँ पे साइड डिसेंट कट ऑफ फीचर प्रोवाइड कर रहा है, जो एक कई हद तक देखेंगे तो एक सेफ्टी वाइज बहुत ही शानदार फीचर है। और लगभग आज की डेट में आपको सारी कंपनियां ये चीज़ प्रोवाइड करने जा रही हैं। आपको पता होगा साइड डिसेंट अगर आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, देख सकते हैं साइड डिसेंट ऑटो कट ऑफ फीचर है यहाँ पे, तो अगर आपकी गाड़ी में साइड डिसेंट लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो कई हद तक सेफ्टी वाइज एक बहुत ही शानदार फीचर है। कंपनी आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक USB चार्जिंग का भी पोर्ट का ऑप्शन देती है। ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे USB चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, जिसके मतलब आप फोन को अपने इजीली चार्ज कर पाएंगे, जो कई हद तक बहुत ही शानदार फीचर है जो कंपनी ने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। बहुत ही शानदार फीचर लगा जो आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस में ये चीज देखने को मिल जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है गाड़ी का माइलेज कितना इस गाड़ी से हमें निकल के आ रहा है। अगर मैं आपको रियल लाइफ माइलेज की बात कर लूँ तो देखिए आपको 55 के आसपास का इस गाड़ी से माइलेज देखने को मिल जा रहा है। 55 तक का गाड़ी माइलेज निकाल के देने में कैपेबल है, और 55 तक का इस गाड़ी से हमें इजिली माइलेज देखने को मिल जा रहा है, जो कई हद तक एक बहुत ही शानदार बात रहने वाली है। आपको हम रियल माइलेज बताते हैं, कोई फेक माइलेज नहीं बता रहे हैं। तो आपको हम रियल माइलेज बताते हैं 15 तक आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे हाईवे राइड के लिए यूज़ करेंगे तो आप 60 प्लस माइलेज भी इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। 60 प्लस माइलेज निकाल के देने में भी गाड़ी कैपेबल है, क्योंकि आपको पता है आपको यहाँ पे 97 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। 100 cc का आपको इंजन वाली गाड़ी है आपकी, तो 97 cc का आपको यहाँ इंजन देखने को मिलता है। 8 PS के आसपास की पावर है, 8 Nm तक का टॉर्क देखने को मिल जाता है। ओवरऑल गाड़ी का बहुत ही शानदार रिस्पांस है। लेकिन हम इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर लें तो हमको ये गाड़ी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में 82,000 रुपये की पड़ी है। 82,000 रुपीज़ आज से 2 से 3 महीने पहले पड़ी है। अभी इस गाड़ी की प्राइसिंग लगभग 84 के आसपास हो चुकी है। ये तो ये गाड़ी की प्राइसिंग बात। ब्रेकिंग में हीरो ने एक बहुत ही शानदार काम किया। अगर आप ब्रेकिंग वाइज इस गाड़ी के बारे में बात कर लेंगे तो ब्रेकिंग में एक बहुत ही शानदार काम क्या किया गया वो आपको मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं होंडा जैसे आपको CBS प्रोवाइड करता है, वैसे अब यहाँ पे भी हीरो ने एक बहुत ही शानदार काम किया। ये दो आपको तार दिख रहा है, दो तार में कभी कन्फ्यूज मत होइएगा। ये आपका मीटर का वायर है, देख लीजिए ये आपका जो ऊपर वाला वायर है ये आपका मीटर का है। इसके बाद आपको एक यहाँ पे फ्रंट ब्रेक और एक आपको बैक ब्रेक का। अगर आप अपनी गाड़ी का बैक ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपका फ्रंट का टायर भी थोड़ा बहुत लॉक होगा। फ्रंट के टायर पे 40% रेशो जाता है, मतलब 40% जो ब्रेकिंग है वो आपके फ्रंट के टायर पे लगेगी और 60% आपके बैक के टायर पे लगेगी। तो इसकी मदद से रोड पे और स्टेबिलिटी और ग्रिप आपकी और बेटर बनेगी। हीरो स्प्लेंडर प्लस के पहले मॉडल में क्या होता था, गाड़ी पिछला टायर स्किड कर जाता था, लेकिन अब आपको ये शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। जो ये कई हद तक एक बहुत ही शानदार काम किया गया हीरो कंपनी की तरफ से, बहुत ही बढ़िया है। तो ब्रेकिंग वाइज ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, ब्रेकिंग वाइज गाड़ी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। ये रही गाड़ी की ब्रेकिंग बात, माइलेज आपको बता दिया है। इंजन का कैसा रिस्पांस है, देखिए इंजन की बात करेंगे तो इंजन बहुत ही सही है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। इंजन वाइज अभी तक कोई भी हमें दिक्कत परेशानी महसूस नहीं हुई। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हीटिंग इशू आपको आएगी फर्स्ट सर्विसिंग तक, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको ITS का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप चाहे तो इस गाड़ी का ITS मॉडल भी ले सकते हैं। फ्रंट से आपको वही हैलोजन हेलमेट सेटअप देखने को मिलता है, और साइड्स की जो इंडिकेटर रहते हैं वो आपके बल्ब टाइप ही रहते हैं। तो ये तो ओवरऑल गाड़ी का ऐसा ही कुछ रिस्पांस है। कंफर्टेबल लाइट के बारे में बात करेंगे तो फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको देख सकते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। बैक एंड की बात करेंगे तो बैक एंड में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करती है। सीट की बात करेंगे तो सीट में ओवरऑल शानदार कुशनिंग बिल्कुल मिलती है, तो आप कंफर्टेबल राइड गाड़ी से बिल्कुल कर सकते हैं। इस गाड़ी का जो राइडिंग पोस्चर है वो भी कंपनी बहुत ही शानदार प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। आप इजीली इस गाड़ी से बहुत ही शानदार और बहुत ही आराम से आप कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। सेल्फ किक दोनों ही आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, तरसी कोई शिकायत ओवरऑल महसूस नहीं होती है। तो ये ओवरऑल इस गाड़ी की बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हम गाड़ी के बारे में बात करेंगे तो आप बैक से ये देख सकते हैं जो इस गाड़ी का कैरियर रहता है, ये आपको कंपनी ने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। जो आपकी मॉडल्स आ रही हैं उनमें आपको ये चीज़ बड़ा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप शॉपकीपर हैं, आपको सामान वामान कैरी करना है, तो आपके लिए बिल्कुल स्प्लेंडर प्लस एक बेहतर ऑप्शन निकल के आ सकती है। आप इसमें अपना इजिली सामान सारा कैरी कर सकते हैं, इजिली अपना सामान सारा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जो कि कई हद तक एक बहुत अच्छी बात रहने वाली है। उसके अलावा गियर फंसने की प्रॉब्लम बहुत लोग पूछते हैं, तो देखिए अभी हमें गियर फंसने की कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, गियर हमारा स्मूथली लग जा रहा है, कोई भी तकलीफ है कोई भी दिक्कत नहीं है।
बाकी अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है एक बहुत ही शानदार बाइक लेने का, आप हीरो स्प्लेंडर प्लस देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग हीरो स्प्लेंडर प्लस से जरूर जा सकते हैं। लगभग 2 लाख प्लस यूनिट ये गाड़ी हर महीने सेल होती है। इसका इतना मार्केट में तगड़ा रिस्पॉन्स बना हुआ है जिसकी वजह से लोग बिल्कुल इसको बाइक कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत ही शानदार रहती है, कहीं से आपको कोई दिक्कत परेशानी इसके बिल्ड क्वालिटी वाइज नहीं होने वाली है। एक गाड़ी शानदार बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है, ओवर इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही शानदार निकल के आता है, तो कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी आपको इस गाड़ी से बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है तो बिल्कुल आप इस गाड़ी से जरूर मूव कर लीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल जो इस गाड़ी का रिस्पांस है, जो इस गाड़ी की माइलेज है, जो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है, जो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार निकल के आती है। बाकी ओवरऑल अगर बात करेंगे तो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, आपका बजट 80-82 हज़ार रुपये के आसपास है, आपको एक शानदार बाइक चाहिए जिसमें आपको माइलेज मिले, परफॉर्मेंस मिले, ठीक ठाक लुक भी देखने को मिल जाए। लुक वाइज भी ओवरऑल गाड़ी बहुत ही शानदार लगती है, लुक वाइज भी कोई आपको ज़्यादा शिकायत महसूस नहीं होगी। एक बहुत ही शानदार स्प्लेंडर प्लस की क्रोम में बैचिंग देखने को मिल जाती है, तो लुक ओवरऑल भी गाड़ी की बहुत ही शानदार है। अगर आप एक गाड़ी में शानदार लुक चाहते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहते हैं आप गाड़ी में, तो बिल्कुल आप एक हीरो स्प्लेंडर प्लस से जरूर मूव करिएगा, कि ओवरऑल इस गाड़ी का जो मार्केट रिस्पॉन्स है, इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है। बाकी अगर बात करेंगे तो आपको मैंने माइलेज बता दिया, दिक्कत परेशानी की गाड़ी से कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग आपको हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है, उसके बाद फर्स्ट सर्विसिंग करा लेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा रिस्पांस है, साइलेंट इंजन है, पहले से और बेटर है, कंपनी ने पहले से अच्छी ब्रेकिंग कर दी है, तो ये ओवरऑल अच्छी बात है। 55 से 60 का माइलेज इस गाड़ी से इजीली निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक जो करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और आप सभी को हम बाइक और स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखते हैं। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग हीरो स्प्लेंडर प्लस लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग इस गाड़ी से जरूर मूव करिएगा, ओवरऑल इसका मार्केट रिस्पॉन्स बहुत ही शानदार है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के दे पाती है, कोई भी दिक्कत परेशानी ओवरऑल इस गाड़ी से महसूस नहीं होती है। बाकी आप हमें इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं फास्ट रिप्लाई क्विक रिस्पॉन्स के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो हमने अपनी इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, तो आप जरूर वहां जाकर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।